एवरीवन, वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो आज आप बहुत खुश हो गए क्योंकि खुशी वाला दिन है। और वो खुशी वाला दिन क्यों है, क्योंकि आज अध्याय 13 प्रायिकता के बारे में बात करेंगे और ये लास्ट अध्याय है कक्षा 12वीं विषय गणित का। तो हम लोग, मैं बोला था ना, हमारी जो जर्नी आपकी और मेरी जर्नी मिशन 2023 के अध्याय 1 के पहले क्वेश्चन से चालू होगी और लास्ट अध्याय के लास्ट क्वेश्चन में जाके खत्म होगी। तो ये अब ये जर्नी देखो, अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ होगे तो आपका आज पूरा अध्याय फिनिश हो जाएगा, पूरा अध्याय फिनिश हो जाएगा। तो इसमें ना मैं थोड़ा पढ़ाने का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है ओनली बेसिक, तो प्रायिकता में हम लोग सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। ध्यान से देखो, प्रायिकता ना आप 10वीं में पढ़े हो, आप 11वीं में पढ़े हो, अब प्रायिकता 12वीं में भी है। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे गणित के फील्ड में तो प्रायिकता तो रहेगी। तो जो बेसिक होता है ना, वो मैं बेसिक आप लोगों को कवर कराऊंगा, सम्मिश्र प्रतिदर्श की बात करवाऊंगा, सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, समय कम है तो पूरे टॉपिक को खत्म कर पाना अभी मुश्किल है, अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन भविष्य में आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक पूरा प्रायिकता की एक सीरीज बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें 10वीं 11वीं 12वीं इस तीनों के ना बेसिक कंसेप्ट को आप लोग के साथ में डील करूंगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम के लिहाज से उतना ज़्यादा तो डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बेसिक की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो, पहले मैं सिक्के का कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक क्वाइन का कंसेप्ट पहले मैं बता रहा हूँ, क्वाइन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वाइन को भैया सिक्का बोलते हैं, इतना इंग्लिश तो आप लोग को मालूम। तो सबसे पहले अगर आप लोग को ध्यान होगा तो ये मैं मान लो 1 रुपए की क्वाइन लिया, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये रख देता हूँ। चलो 1 रुपए का ये क्वाइन है, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वाइन ले लेता हूँ, एक रुपए की क्वाइन ले लिया, यहाँ पे यही कलर आ रहा है, लगता है इसको ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक क्वाइन ले लिया और यहाँ पे एक और क्वाइन ले लिया मैं, ये लो, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। मान लो ये 1 रुपए का क्वाइन है, ये 1 रुपए का क्वाइन है, ये 1 रुपए का क्वाइन है और ये 2 रुपए का क्वाइन है, ठीक है क्या? ठीक है भाई, एक सिक्का, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सिक्का को उछाला जाता है, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर खींच देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखते रहो। मैं बोला इस एक सिक्के को अगर मैं उछाला, तो इस एक सिक्के को अगर मैं उछालूंगा तो मेरे पास या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब हेड को हम लोग बोलते हैं चित, क्वेश्चन में आपका चित लिखा रहेगा तो हम लोग हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। ठीक है, चीट पट, हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना तो ऐसी करते थे, चीट की पट, चीट आया मैं जीत गया मेरी बैटिंग, ऐसे टाइप का रोल चलता था। ठीक है, ये हो गया चीट और पट। तो अगर मैं इसको बोलूं किसका सम्मिश्र प्रतिदर्श क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिदर्श समिष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समिष्टि, इसको मैं एस से शो करूंगा, ठीक है, प्रतिदर्श समिष्टि को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो इसका प्रतिदर्श समिष्टि क्या होगा, तो ऐसे ये करली ब्रैकेट से लगाएंगे, प्रतिदर्श समिष्टि क्या होता है, इस 1 रुपए के सिक्के को अगर मैं उछाला तो उस 1 रुपए के सिक्के से क्या क्या आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर या तो चीट आ सकता है या तो पट आ सकता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसका प्रतिदर्श समिष्टि है। तो इसका ये प्रतिदर्श समिष्टि होगा, तो इसका ये प्रतिदर्श समिष्टि है। प्रतिदर्श समिष्टि क्या है, चीट या तो पट, इसको अच्छे से मिटा रहो अगर मिटा ही रहे हो तो, है ना, ये प्रतिदर्श समिष्टि को मैं स्मॉल एस से शो करूंगा। तो इसका प्रतिदर्श समिष्टि क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस, हेड होगा या तो टेल होगा। अब बात यहाँ पे आती है 2 सिक्के की, ये 1 सिक्के की बात थी, 1 सिक्के की बात थी, ये 2 सिक्के की मैं बात किया। अगर दोनों सिक्के को एक साथ उछाला, मैं एक साथ बोल रहा हूँ, एक साथ ध्यान रखना, यहाँ मैं एक सिक्के को उछाला तो या तो चीट आएगा या तो पट आएगा। तो इसका प्रतिदर्श समिष्टि क्या बनेगा, या तो चीट या तो पट, प्रतिदर्श समिष्टि में वो हम लोग लिखते हैं जो इसका पॉसिबल आउटकम्स होता है, जो आता है इससे उसको लिखते हैं। अब मैं दोनों सिक्के को एक साथ उछाल रहा हूँ, 2 सिक्का लो एक साथ उछालो तो क्या आएगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो ये 1 सिक्का है तो इसमें तो हमको मालूम है या तो हेड आएगा या तो टेल, चीट या पट, इसमें भी हेड आएगा
या तो टेल आएगा। बात एक सिक्के को उछालने की नहीं है, बात दोनों सिक्के को उछालने की हो रही है। तो यहाँ पे एस, अब एस को सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्टि, मैं सैंपल स्पेस बोलूंगा या एस बोलूंगा, तो आप लोगों को समझ जाना है ना। और एस क्या है, मेरा मतलब मेरा फेवरेट अल्फाबेट है, मेरा जो फेवरेट अक्षर है ना वो एस है, ठीक है। तो और भी मेरे को पसंद है एस बोलना, तो ठीक है फिर। तो इसका प्रतिदर्श समिष्टि क्या होगा सैंपल स्पेस, तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इसको कैसे, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन ऐसा खींचो, एक लाइन ऐसा खींचो, ठीक। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाइन हो गया आपका एक रुपए का, और ये सेकंड क्वाइन हो गया। फर्स्ट क्वाइन में क्या आ सकता है सर, फर्स्ट क्वाइन में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये देखो फर्स्ट क्वाइन में एक रुपए के क्वाइन में, सर दूसरे क्वाइन में क्या आ सकता है अगर मैं पूछूँ तो आप बोलोगे आप हेड आ सकते हैं टेल आ सकते हैं, ठीक है। एस कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, तो देखो हेड हेड लिख दो, ये हेड और ये हेड, ये हेड और हेड लिख दो, ये हेड और टेल, ये हेड और टेल लिख दो, ये टेल और ये हेड, ये टेल और हेड लिख दो। ऐसा समझो हेड का गुणा हेड के साथ, गुणा नहीं हो रहा है ऐसा समझो, हेड मल्टीप्लाई हेड, हेड मल्टीप्लाई टेन, टेल मल्टीप्लाई हेड, टेल मल्टीप्लाई टेन। तो यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया वही हमारा एस है। तो अगर मैं दो सिक्के की बात करूँ तो क्या क्या मेरे इसमें टॉस करने पर आ सकते हैं पेयर, वो है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये जो पहला वाला हेड है ये बता रहा है ये पहले क्वाइन से आया है, ये पहले क्वाइन से आया है और ये दूसरे क्वाइन से आया है, ये एक रुपए के क्वाइन से आया है और ये दो रुपए के क्वाइन से आया है। मतलब अगर मैं एक सिक्के को, दो सिक्के को ना, दो सिक्के को ऐसे फेंकूं तो हो सकता है पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे सिक्के में भी हेड आए, हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल, हो सकता है। या पहले में टेल दूसरे में हेड, हो सकता है। या पहले में टेल और दूसरे में टेल, ये भी हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटी ही बनेंगे। तो एक सिक्के में अगर मैं पूछूं कि इसका सैंपल स्पेस क्या है, प्रतिदर्श समिष्टि क्या है, तो आप बोलोगे हेड और टेल। क्या आ सकता है यार एक सिक्के से, या तो हेड या तो टेल, अब बीच में ऐसे खड़ा हो जाएगा ऐसा मत बोलना सिक्का, ठीक है। दो सिक्के को एक साथ फेंकूं तो क्या आएगा, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, और याद नहीं है तो आप ऐसे बना लेना। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये दो सिक्के को एक साथ फेंकने पे ये आया। अब तीन सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तीन सिक्के को एक साथ फेंक रहा हूँ, तीन सिक्के को एक साथ हम अगर फेंकें, ये सिक्का एक, ये सिक्का दो, ये सिक्का दो और ये सिक्का तीन, ये सिक्का तीन, चलो भाई ये हो गया तीन सिक्का हो गया। ये एक रुपए का मान लो, ये दो रुपए का सिक्का हो गया और ये तीन रुपए का, तीन रुपए का तो सिक्का होता ही नहीं मेरे ख्याल से, हमारे देश में तो नहीं है, ये पाँच रुपए का। तो एक सिक्के में क्या आ सकते हैं सर, या तो हेड या तो टेल। सर दो रुपए के सिक्के में भी हेड आ सकते हैं और टेल आ सकते हैं, सर इसमें भी हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन यहाँ एक सिक्के को उछालने की बात नहीं हो रही है, तीन सिक्के को उछालने की बात हो रही है। आप तीन सिक्का पकड़िए और एक साथ ऐसे उछालिए, क्या क्या आ सकता है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसका हम लोग एस सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, प्रतिदर्श समिष्टि कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं आप लोग को ट्रिक से बता रहा हूँ। इसका ट्री मेथड से भी करते हैं, ये मेथड नहीं लगेगा, ट्री मेथड से होता है वो, ट्री मेथड मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो कितना सिक्का है, तीन सिक्का है ना, चलो तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। ये कितना है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, टू की पावर एन, सिक्के में टू की पावर एन याद रखना, टू की पावर एन, एन क्या है, सिक्का है, एन क्या है, सिक्का। यहाँ पे देखो कितना सिक्का है, एक सिक्का है, तो टू की पावर वन, एन क्या है, सिक्का, एक सिक्का है तो टू की पावर एन, दो की पावर एक क्या हो गया, एन की वैल्यू एक है, एक ही सिक्का है तो टू की पावर वन टू हो गया। तो देखो यहाँ पे प्रतिदर्श समिष्टि में इसके अंदर जो रहते हैं वो अवयव रहते हैं, कितना है, एक और दो, दो अवयव। दो सिक्के में बात करता हूँ, दो सिक्का है तो टू, एन की वैल्यू क्या हो गई, टू, दो की घात दो कितना होता है, चार। मतलब इस एस में देखो चार अवयव होंगे, एक दो तीन चार। अब हमारे पास उधर क्या है, तीन सिक्का है, तीन सिक्का है मतलब टू की पावर थ्री, एन क्या है, सिक्कों की संख्या और सिक्का कितना है, तीन, तो टू की पावर थ्री, टू इंटू टू इंटू टू क्या हो जाएगा, एट, मतलब एट होंगे, एट क्या होंगे, यहाँ पे एट हमारे अवयव होंगे। तो देखो याद करने का तरीका,
चार बार हेड लिख लेना, हेड 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 हेड, ये एक लाइन में लिखना ना आप लोग, एक लाइन में लिखना। फिर चार बार टेल, चार बार टेल, चार बार टेल, ये आप लोग पूरा एक लाइन में लिखोगे, एक लाइन में। चार बार हेड, चार बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर दो बार हेड, फिर दो बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। इतनी पॉसिबिलिटी है भाई, तीन सिक्का को अगर उछालोगे तो ये आएगा, और पूरा एक लाइन में लिखना। अगर लाइन ख़त्म हो जाए तो नीचे लिखना, और इधर लास्ट में करली ब्रैकेट से बंद करना। तो समझ में आया क्या? तो एक सिक्का जब होगा तो उसके लिए एस क्या है? सिर्फ हेड और टेल। दो सिक्का है तो उसके लिए एस क्या है? हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। यहाँ पे अगर तीन सिक्का है तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो हमको याद नहीं रखना है। चार बार हेड, चार बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, एक बार हेड, एक 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 बार टेल। समझ गए? तो अभी तीन सिक्के तक ही आप लोगों को करना है, ठीक है? चार सिक्के में मत जाना। अगर मैं बोलूँ, अगर हमारे पास चार सिक्का है, चार सिक्का है, चार सिक्का है, तो अवयवों की संख्या क्या होगी इस एस में? चार सिक्का है तो सर ये 2n हम लोग को मालूम है। चार सिक्का है मतलब 2^4, और 2^4 का मतलब 16, मतलब 16 अवयव आएंगे, 16 अवयव आने वाले हैं, 16 अवयव। तो ध्यान से देखो, एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, आगे आप लोगों का भी काम आएगा। एक सिक्का में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो सिक्के में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तीन सिक्का होता है, तीन कॉइन, तीन कॉइन जब होता है, तीन कॉइन, तीन कॉइन होता है, तो देखो चार बार हेड और चार बार टेल, चार बार हेड और चार बार टेल करते हैं, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, ऐसे किए, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसे करके ये जाते जाता है, ठीक है? कैसे? चार चार, फिर दो 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 दो, एक एक। अगर चार कॉइन हो तो बताऊँ कैसे बनेगा? चार कॉइन हो, अगर आप उसका एस लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? आठ, 16 बनेगा, यानी कि आठ बार हेड और आठ बार टेल लिख दो, आठ बार हेड, आठ बार टेल। फिर क्या करो? चार बार हेड, चार बार टेल, चार बार हेड और चार बार टेल, चार बार हेड लिखो, फिर चार बार टेल लिखो, फिर चार बार हेड लिखो, फिर चार बार टेल लिखो, फिर दो बार हेड, फिर दो बार टेल, दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो, फिर एक बार हेड और एक बार टेल लिखो, फिर एक बार हेड, एक बार टेल लिखो, ऐसे पूरा। तो ये बनेगा आप लोग का फाइनल, फाइनल जो एस है ना चार कॉइन में, वो ऐसा बनेगा। तो ये आप लोग याद रखना। तो अगर तीन कॉइन हो तो कैसे करोगे? चार हेड, चार टेल, फिर दो दो, फिर एक। और अगर चार कॉइन हो तो आठ हेड, आठ टेल, फिर चार हेड, चार टेल, दो हेड, दो टेल, एक हेड, एक टेल, ऐसे करके आप बना सकते हो। और अवयव की संख्या अगर पूछी तो 2n याद रखना, सिक्का के लिए, सिक्का के लिए। तो ये सिक्के वाला मैं कंसेप्ट बताया, तो प्रतिदर्श समिष्टि आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब सिक्के वाला हो गया, तो मैं आप लोग को एक डाइस बताता हूँ। पासा आप लोग जानते हो? पासा आप लोग जानते हो क्या? चलो ये पासा, लूडो जिसको बोलते हैं, है ना, ये पासा आप लोग जानते होंगे भाई, बचपन में खेले हैं, महाभारत काल से चलता आ रहा है। याद है शकुनी मामा? शकुनी मामा जी याद हैं आपको? वही खेला करते थे, महाभारत से चला आ रहा है। वो अगर आज नहीं खेलते तो शायद मैथ्स में ये वाला कंसेप्ट नहीं आता। तो यहाँ पे देखो, ये अब ये पासा की बात कर रहा हूँ मैं, पासे की बात कर रहा हूँ। तो ये एक पासा है, यहाँ पे वन, एक पासा, वन डाइस, एक पासा की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक पासा। अगर आप एक पासे को फेंकते हो, एक पासे को फेंकते हो, तो आपका जो एस है प्रतिदर्श समिष्टि वो क्या हो, मतलब क्या क्या आ सकता है एक पासे को फेंकोगे तो? एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है बताओ? बचपन में ना सब खेलते हैं, हम भी खेलें, आप भी खेलो। एक पासे में या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। तो यहाँ पे मैं लिखा, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। ये एक पासे की बात हुई। एक पासे में जो मेरा सैंपल स्पेस है वो एक दो तीन चार पाँच छः बनेगा। तो इसमें कैसे याद रखते हैं, इसमें कितने अवयव हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे 6n। तो जो
एन है वो पासों की संख्या है, यहाँ एक पास है तो एन की वैल्यू वन, सिक्स की पावर वन क्या होता है सिक्स होता है, तो देखो छह अवयव है, एक दो तीन चार पांच छह। अब बात आती है दो पासे की, अब मैं फिर से पासा नहीं बनाऊंगा, आप इसी को पासा समझ लेना, ठीक है, आप इसी को पासा समझ लो, ठीक है भाई। अब बात आती है दो पासों को एक साथ फेंकने की, क्या बोला मैं, दो पासों को एक साथ फेंकने की, तो एक पासे में क्या आ सकता है, सर एक पासे में या तो एक या तो दो या तो तीन या तो चार या तो पांच या तो छह आ सकता है, ये आ सकता है, ये पक्का आएगा भाई। और किसी के पासे में और कोई सात वात आता है क्या, ये हो गया रजनीकांत वाला पासा नहीं भाई, इसमें भी क्या आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। अब दोनों पासे को एक साथ फेंकना है तो सम्मिश्र प्रतिदर्श क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, बताऊं कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, सिक्स की पावर एन होता है, हाँ सर, एन क्या होता है पासों की संख्या, पासों की संख्या कितनी दो, तो छ का स्क्वायर यानी छ गुणा छह मतलब कि छत्तीस, छत्तीस एलिमेंट बनेंगे यहाँ पे, छत्तीस एलिमेंट यहाँ बनेंगे। तो देखो कैसे, तो दोनों पासों को मैं फेंका ऐसे करके, तो हो सकता है पहले पासे में वन आ जाए और दूसरे पासे में भी वन आ जाए, हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहले पासे में वन और दूसरे पासे में टू, या ऐसा हो सकता है वन कॉमा थ्री या वन कॉमा फोर या वन कॉमा फाइव या वन कॉमा सिक्स। अभी और जाएगा, पहले पासे में ये पहला वाला पहला पासा का है, ये सेकंड वाला दूसरे पासे का है, हो सकता है पहले पासे में वन दूसरे पासे में वन, पहले पासे में वन दूसरे पासे में टू, हो सकता है भाई फेंकोगे तो, हो सकता है सब पहले पासे में वन 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 को रखा और दूसरे पासे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करते गया। अब हो सकता है कि पहले पासे में टू आए दूसरे में वन, फिर टू टू, यहाँ पे टू थ्री, टू कॉमा थ्री, ये हो गया टू कॉमा फोर, ये हो गया टू कॉमा फाइव, ये हो गया टू कॉमा सिक्स। ध्यान से समझो आप, ये क्या बोल रहा है, पहले पासे में दो आ जाए और दूसरे पासे में वन आ जाए, हो सकता है दूसरे पासे में दो आ जाए और पहले पासे में भी दो आ जाए, ये भी हो सकता है, पहले पासे में दो और दूसरे पासे में दो, पहले पासे में दो आ जाए दूसरे पासे में तीन आ जाए, हो सकता है भाई ऐसे करके, ये भी बन सकता है तीन कॉमा एक, यहाँ पे तीन कॉमा दो, फिर तीन कॉमा तीन, फिर हो गया तीन कॉमा चार, फिर तीन कॉमा पाँच कर लो, ये तो एकदम याद हो जाएगा तीन कॉमा छः, और ये याद रखना है आप लोग को, ये देखो ना पहले पासे में एक 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 रखना, दूसरे पासे में बढ़ाते जाना एक दो तीन चार पाँच छः, फिर पहले पासे में दो 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 रखना, दूसरे पासे को बढ़ाते जाना एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या आएगा बताओ आप लोग, तीन कॉमा एक, यहाँ पे चार कॉमा एक, ठीक है, फिर पाँच कॉमा एक के लिए, फिर लास्ट में छः कॉमा एक के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, चार कॉमा दो, चार कॉमा तीन, चार कॉमा चार और चार कॉमा पाँच और ये हो गया चार कॉमा छः। क्लियर है क्या, सब चीज़ क्लियर है क्या, सब चीज़ क्लियर पूरा है, देखो ये मैं पूरा बेहतरीन बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा क्लियर है क्या, हाँ। अब इसके लिए क्या आएगा, पाँच कॉमा एक, पाँच कॉमा दो, पाँच कॉमा तीन, यहाँ पे पाँच कॉमा चार, पाँच कॉमा चार, यहाँ पे पाँच कॉमा पाँच और पाँच कॉमा छः। क्लियर है क्या, अब यहाँ पे छः कॉमा एक, छः कॉमा दो, छः कॉमा तीन, छः कॉमा चार और यहाँ छः कॉमा पाँच, छः कॉमा छः के लिए जगह नहीं है पर मैं बना दूंगा, ये आया। और लास्ट में ऐसा पूरा ब्रैकेट को बंद करना, इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में अपन लिखते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में अपन डालेंगे इसको, ये इसका एस होगा और इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, उधर भी ऐसे करके ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये तो ये हुआ इसका प्रतिदर्श समष्टि। देखो 36 ठो बना है, एक एक लाइन में 6 6 है, ए इसमें 6 6 6 6 6 6 तो पूरा हो गया 6 * 6 36। तो ये दो पासे में, अब तीन पासे में मत जाना, अगर मैं बोल दूं तीन पासों में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, अगर अवयवों की संख्या बोल दूं तो सिर्फ 6 की पावर 3 कर देंगे
और 6 × 6 × 6 कर देंगे तो जो भी आया वो क्या होगा, अवयवों की संख्या होगी। तो आपको एक क्वाइन में ध्यान देना है, दो क्वाइन में ध्यान देना है, एस में, सिर्फ एस में, तीन क्वाइन के एस में और एक डाइस के एस में और दो डाइस के एस में ध्यान देना है आप लोगों को। तो इतना आप लोग समझे क्या, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इतना आप लोग समझे क्या। तो अभी मैं पूरा प्रतिदर्श समष्टि के बारे में बात करूंगा, उसके बाद धीरे से प्रायिकता में आऊंगा, हड़बड़ी मत करना। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेशेंस बना के रखिए और इतना आप लोगों को समझने में मजा आया क्या बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।